देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। भारत में एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा विद्या का प्रचलन भी बहुत अधिक है। बड़ी संख्या में जनमानस को इन विधाओं से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। हालांकि होम्योपैथिक एवं अन्य विधाओं के डॉक्टर को भी जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस संबंध में उन्हें लगभग हाउस विंग एवं पॉल्यूशन शुल्क के नाम पर लगभग हर वर्ष 30 से 40 हजार वार्षिक शुल्क देना पड़ता है। चूंकि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एवं अन्य प्राकृतिक चिकित्सा विधाओं में किसी प्रकार का कोई वेस्टेज नहीं निकलता है जैसे कि एलोपैथिक चिकित्सा विद्या में निकलता है, अतः इन विधाओं के डॉक्टरों से इतना अधिक हाउस विंग एवं पॉल्यूशन शुल्क लिया जाना ठीक नहीं है। जहां मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में यह शुल्क नाम मात्र का है, वहीं इंदौर में इसकी राशि बहुत ज्यादा है। इस राशि को अन्य जिलों के समान काम किए जाने की मांग को लेकर इंदौर के होम्योपैथिक डॉक्टरों ने मंगलवार को जनसुनवाई में आइडियल क्योर होम्योपैथी एसोसिएशन के बैनर तले इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर श्री बालाराम गुप्ता की अगुवाई में दिए ज्ञापन में प्रशासन से यह मांग भी की गई है कि शहर के कथित झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित करने एवं पकड़ने के लिए जो टीम बनाई जाए उसमें आयुष डॉक्टरों की टीम को भी रखा जाए, क्योंकि शहर के आयुष डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। आज ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में होम्योपैथिक डॉक्टर उपस्थित थे। जो है कौन सी विधा में है चिकित्सा की और किस तरह से यहाँ पर आज हम होम्योपैथी विधा के सब डॉक्टर्स हैं, क्योंकि सबको CHMO कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। हमारे सब साथी भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पर प्रोसीजर इतनी लेंदी है, हाउस विन पोल्यूशन सब मिला के 30-40 हजार रुपये साल का बैठ जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि होम्योपैथी आयुर्वेदिक या अन्य जो विधा है इसमें कोई वेस्टेज निकलता नहीं है, तो उसमें हमको कुछ रियायत देना चाहिए जो कि अन्य जिलों में है प्रदेश के। साथ ही हम माननीय आशीष सिंह जी से मिले, कलेक्टर साहब से, उनके समक्ष ये सब बातें रखी है। चूँकि अभी प्रदेश में चेकिंग का माध्यम चल रहा है, जो फर्जी डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई मुहिम अगर इंदौर में चलती है तो उस टीम के अंदर आयुष डॉक्टर होना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि आयुष डॉक्टर की चेकिंग आयुष डॉक्टर ही कर सकता है। बहुत सारी बार देखने में आया है कि हमारी जो होम्योपैथी कंपनी होती है SBL, उसका उसको उठा के ले जाते हैं, उसको एलोपैथी दर्शा देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। चूँकि हम रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, हमने 4.5+1 ईयर इंटर्नशिप की है, पूरा कोर्स किया है, ग्रेजुएट कोर्स किया है, यूनिवर्सिटी ने हमको डिग्री दी है, हमारी काउंसिल हमको रजिस्टर्ड करती है, तो हमारा भी अपना मान सम्मान होता है जनता के बीच में। हमसे कुछ कागज़ चेक करना है तो बाकायदा हमें बुलाया जाए और हमारे पेपर चेक किए जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए करना है। तो इन सब बातों को लेकर आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ये हाउस विन के माध्यम से लिया जाता है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। कितना शुल्क है एक होम्योपैथिक डॉक्टर को वर्ष भर में लगता? 19,600 तो मिनिमम वो लेते ही हैं, उसके बाद पॉल्यूशन का रहता है, उसके बाद CHMO का रहता है। क्या रियायत चाहते हैं सरकार से? कम से कम सरकार को इतना करना चाहिए कि हाउस विन का जो बहुत ज्यादा है इसको मिनिमम किया जाए, 1,000-2,000 रुपए किया जाए। जो फर्जी डॉक्टरों की बात की जा रही है, झोला छाप डॉक्टरों की बात भी की जा रही है, इसको लेकर आपकी संस्था भी क्या किसी प्रकार का कोई अभियान चलाती है इसको लेकर? नहीं, हमारी संस्था कोई अभियान नहीं चलाती, क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड डॉक्टर है। अभियान चलाने का काम शासन का है, प्रशासन का है, चिकित्सा विभाग का है, तो उनको वो आराम से चिन्हित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी लाभी है, आशा कार्यकर्ता है, गांव-गांव में उनका अपना नेटवर्क है, उसके माध्यम से पता कर सकते हैं किसके पास क्या डिग्री है, कौन क्या ट्रीटमेंट कर रहा है। डॉक्टर्स आए थे और उनका कहना था कि चूंकि अभी एक शासन का जो आदेश आया है कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, तो ऐसी जो टीम बनेगी कार्रवाई के लिए उसमें उनके भी प्रतिनिधि शामिल किए जाएं, इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।